नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या करना है? कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ. ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन. दोस्तों यहाँ पर हमें दो सर्कल दिए हैं, दोनों का सेंटर एक ही है. एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर. दोनों का सेंटर एक ही है. दूसरे यानी बिगर सर्कल के एक पॉइंट में से स्मॉलर सर्कल को क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट. ठीक है, फिर उन दोनों टेंजेंट की लेंथ मेजर करनी है प्रैक्टिकली और फिर उसको कैलकुलेशन से चेक करनी है. ठीक है, चलो दोस्तों एकदम इजी कंस्ट्रक्शन है. पहली कंस्ट्रक्शन जैसी ही है, सर्कल दिया है, उसका सेंटर दिया है, उसके बाहर का एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट में से सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करने हैं. चलो दोस्तों हो जाओ तैयार. चलो सबसे पहले क्या करो, तो सबसे पहले दोस्तों नोट में एक पॉइंट बना दो. ठीक है, अब हाथ में क्या लो, राउंडर. कॉन्सेंट्रिक सर्कल रखना है, ड्रॉ करना है. तो ये जो सर्कल है उसके सेंट ये जो पॉइंट बना है उसे हम क्या लेने वाले हैं, सर्कल का सेंटर. उसे लेबल दे दो ओ. ठीक है, चलो अब पहला सर्कल ड्रॉ करेंगे. कितनी रेडियस का? 4 सेंटीमीटर का. तो सब राउंडर्स राउंडर की रेडियस कितनी लो? 4 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो राउंडर को किस पर रखो? ओ पर. राउंडर को किस पर रखो? ओ पर. एक सर्कल बना दो. कितनी रेडियस का? 4 सेंटीमीटर रेडियस का. ठीक है, कितनी रेडियस का? 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना दो. ठीक है, अब दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी रखनी है? 6 सेंटीमीटर. दोस्तों दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है यानी दोनों का सेंटर एक ही है. बोलो. ठीक है, चलो कितनी रेडियस ली? 6 सेंटीमीटर. अब राउंडर को किस पर रखो? ओ पर. ठीक है, सर्कल ड्रॉ करो. पहला सर्कल जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर. बोलो. ठीक है, अब ये जो छोटा सर्कल है स्मॉलर सर्कल है, उस सर्कल को बिगर सर्कल के एक पॉइंट में से क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट. यानी कंस्ट्रक्शन नंबर 1 जैसी ही कंस्ट्रक्शन है. दोस्तों कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है उस पर एक पॉइंट लो. ठीक है, तुम इमेज करो कि दूसरा सर्कल है ही नहीं है. तो मान लो कि सर्कल नहीं है, तो ये क्या हो गया? सर्कल है इसके बाहर का पॉइंट. बोलो. ठीक है, अब क्या करो? ओ को पी के साथ ज्वाइन करो. ओ को पी के साथ ज्वाइन करो. दोस्तों ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट ओपी. कल हमने ऐसा ही किया था. यहां पर ओपी कितना आया? ओपी कितना आएगा? बड़े सर्कल की रेडियस जितना यानी 6 सेंटीमीटर. कल कितना आता था? 10 सेंटीमीटर. बोलो. ठीक है, चलो ओपी कितना? 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ए सर्कल का बाहर का पॉइंट. अब इस पॉइंट में से इस स्मॉलर सर्कल को हमें क्या ड्रॉ करने हैं? टेंजेंट. यानी कंस्ट्रक्शन नंबर 1 रिपीट करना है. क्या करेंगे? इस लाइन सेगमेंट ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. हमें ओपी का मिड पॉइंट चाहिए, इसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, चलो राउंडर को किस पर रखो? पी पर. ओके, हाफ से ज्यादा मेजर लो. ऊपर की ओर आर्क बनाओ हल्के से, नीचे की ओर आर्क बनाओ हल्के से. ठीक है, चलो राउंडर को पी पर से हटाकर किस पर रखो? ओ पर. ऊपर की ओर आर्क बनाओ हल्के से,
नीचे की ओर आर्क बनाओ हल्के से। बोलो ठीक है। चलो अब दोनों आर्क एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करें उधर पॉइंट बना दो। दोनों आर्क एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करें उधर पॉइंट बना दो। अब दोनों में से पास होता, दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करो। दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करो। दोस्तों ये लाइन क्या हो गई? लाइन सेगमेंट ओपी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर यानी इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी है। बाइसेक्टर मींस जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, मान लो ये पॉइंट कौन है एम, तो एम क्या हो जाएगा? ओपी का मिड पॉइंट। बोलो ठीक है। चलो अब दोस्तों क्या करो, हाथ में राउंडर लो, किस पर रखो? एम पर। एम से ओ तक का डिस्टेंस लो, एम से ओ तक का डिस्टेंस लो। ठीक है दोस्तों, एम से ओ तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या आएगा? एम से पी तक का डिस्टेंस। बोलो ठीक है। क्यों? क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट। बोलो ठीक है। अब राउंडर को एम पर रखो, एक सर्कल बना दो। राउंडर को एम पर रखो, एक सर्कल बना दो। बोलो ठीक है। ए सर्कल 4 सेंटीमीटर वाले, 4 सेंटीमीटर की रेडियस वाले सर्कल को जहां इंटरसेक्ट करे उधर ऊपर एक पॉइंट बना दो, नीचे एक पॉइंट बना दो। दोस्तों ऊपर जो पॉइंट बन रहा है उसे लेबल दे दो Q, नीचे जो पॉइंट मिला उसे लेबल दे दो R। P को Q के साथ ज्वाइन करो, P को Q के साथ ज्वाइन करो, क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट PQ। P को R के साथ ज्वाइन करो, क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट PR। बोलो ठीक है दोस्तों। PQ और PR क्या हो गया? टेंशन। किसे? स्मॉलर सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। दोस्तों अब उसकी क्या मेजर करनी है? लेंथ। किसकी? PQ की। देख लो क्या आ रही है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है चलो, किसकी लेंथ मेजर करो? PR की। दोस्तों वो भी क्या आएगी? 4.5 सेंटीमीटर। बोलो ठीक है। क्या बोला था? मेजर इट्स लेंथ। तो दोनों टेंजेंट की लेंथ कितनी आ रही है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, मैंने कल बताया था एक चीज एक्स्ट्रा, क्या? इस सर्कल पर का पॉइंट उसको सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करोगे तो इसकी क्या बन जाएगी? रेडियस। ठीक है, सिर्फ जानने के लिए, एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, टेंजेंट इस रेडियस के साथ क्या होता है? परपेंडिक्यूलर। बोलो ठीक है। कोई तुम्हें बोले इसे वेरीफाई करो, या जैसे बोला है ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, इसे कैलकुलेशन करते भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसे कैलकुलेशन करके भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। हम जानते हैं रेडियस टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाती है? 90 का। OQ क्या है? छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना OQP, ये क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस को अप्लाई करके हम जब PQ को फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसे कैलकुलेशन से हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो इन ट्राइंगल OQP ए रेडियस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम क्या लिख पाएंगे? OQ² + PQ² = OP² सो PQ² = OP² एज इट इज, प्लस OQ² लेफ्ट में से राइट में आएगा, माइनस OQ² दोस्तों। OP कितना है? 6 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, बिगर सर्कल की रेडियस 6 का स्क्वायर।
माइनस हो, क्यू क्या है स्मॉलर सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 36 माइनस 16 क्या आएगा 20। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 20, सो पी क्यू इक्वल टू लेफ्ट में से स्क्वायर जाएगा राइट में क्या आएगा स्क्वायर रूट, 20 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा पी क्यू इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। जितना पी क्यू होगा उतना ही क्या होगा पी आर, ठीक है। पहले हमने प्रैक्टिकली मेजर किया, ये प्रैक्टिकली ठीक है 4.5 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या किया थियोरिटिकली चेक कर लिया दोस्तों, है ना एकदम इजी, घर पर इसको 2 से 3 बार करके प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।